चलो भाई तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का 5.2 पार्ट जिसका नाम है 5.3 स्टार्ट हो रहा है। यस इट इज 5.2। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 प्रोपोर्शनल। यस 5.2 प्रोपोर्शनल। तो भाई जिन लोग भाई पहला दो वीडियो नहीं देखा है रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं कि जाके तुम लोग भाई पहला दो वीडियो देख लो रेशियो का, ताकि यहाँ से काफ़ी अच्छा से समझ में आए। और अगर थोड़ा बहुत माइनर सा अगर तुमको भाई नॉलेज है रेशियो क्या होता है, रेशियो पे कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए बी सी कैसे निकालेंगे, ये अगर माइनर सा बात अगर पता है तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। यहाँ से भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा दो रीज़न है, एक रेशियो थोड़ा सा जानेंगे तो बढ़िया लगेगा है समझने में, और दूसरा तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 हो भी जाएगा। तो अगर नहीं देखे हो 5.1 तो उसको जरूर देख लो, यहाँ देखने के बाद भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट प्रोपोर्शनल। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एंड जब हम स्टार्ट किए थे चैप्टर उसी समय हम बोले थे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अगर वर्ड लिखा है इसका साफ साफ मीनिंग है, इसका साफ साफ इंडिकेशन है कि जो चीज लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो चीज लिखा है इसका साफ साफ मीनिंग है कि रेशियो और प्रोपोर्शनल दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों सेम चीजें तो नहीं है, ऑब्वियसली दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो यह होता क्या है, प्रोपोर्शनल होता क्या है, रेशियो क्या है? रेशियो किसी भी दो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का, ये काफ़ी अच्छा 5.1 समझाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी थोड़ा समय 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। रेशियो किसी भी दो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को कंपेयर करने का एक प्रोसेस है कि अगर मेरा एज 15 साल है, सामने वाला का एज 25 साल है, तो दोनों का एज का रेशियो क्या होगा? रेशियो माने डिवाइड, 15/25, 3:5, और ऊपर में 15 ईयर्स लिखेंगे, नीचे में 25 ईयर्स लिखेंगे, ईयर्स ऐसे भी कट ही जाएगा। इसीलिए रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कभी भी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। भैया प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये बढ़िया चीज है। प्रोपोर्शनल को हम लोग बोलते हैं इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शनल को हम लोग बोलते हैं इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। प्रोपोर्शनल को हम लोग बोलते हैं इक्वल रेशियो कि मान लो भाई कि ए और बी दो आदमी हैं, दोनों का पास 500 रुपये और 300 रुपये हैं, तो दोनों का पास में पैसा का रेशियो कितना होगा? 5:3। अब सी और डी दो और लोग हैं, अब एक के पास 50 रुपये हैं, एक के पास 30 रुपये हैं, अब दोनों का जो पैसा का रेशियो होगा वो होगा 5:3। तो देखो ए और बी के बाद क्वांटिटी ऑफ मनी, ए और बी के पास क्वांटिटी ऑफ मनी अलग है, एक का पास 500, एक का पास 300 है, बट दोनों का रेशियो है 5:3। बी और सी, सी और डी इन दोनों का पास भी जो पैसा का रेशियो है वो है 50 रुपये, क्वांटिटी है 50 रुपये और 30 रुपये, तो ये भी क्या है 5:3। बट अगर हम ध्यान से देखें कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों का जो रेशियो वो इक्वल है, क्वांटिटी अलग अलग है, A:B 50, 500, 300, 5:3, B:C:D 50 रुपया 30 रुपया, 5:3, बट द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट दे हैव इज डिफरेंट, बट द रेशियो ऑफ द मनी दैट दे हैव इज सेम। तो हम बोल सकते हैं ABCD आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन प्रोपोर्शन। क्या बोले, ए के पास अलग अमाउंट ऑफ मनी है, बी के पास अलग अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन ए और बी का जो रेशियो है वो रेशियो सेम है, ए और बी का जो रेशियो है वो रेशियो सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं ABCD आर इन प्रोपोर्शन। अगर भैया दो लोग और हो, ई एंड एफ, और ई के पास 5,000 रुपीज है एंड एफ के पास 3,000 रुपीज है, इन दोनों का भी जो रेशियो होगा वो होगा 5:3, इन दोनों का भी जो रेशियो होगा 5:3।
ई के पास 5,000, सी के डी के पास 3,000, 5:3, हम बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ ऑल आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शनल होता क्या है, कोई दो जन है, कोई दो लोग हैं, कोई और दो लोग हैं, दोनों का पास कुछ भी अमाउंट ऑफ मनी है, दोनों का कुछ भी एज है, दोनों का कुछ भी वेट है, कुछ भी है, डज नॉट मैटर, उनका अगर रेशियो सेम है आपस में, तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो रेशियो जो हम निकालते हैं, रेशियो जब हम निकालते हैं, तो 50 लोग का एज का रेशियो एक बार में निकाल सकते हैं, 3 लोग का एज का रेशियो एक बार में निकाल सकते हैं, 10 लोग का एज का रेशियो एक बार में निकाल सकते हैं, वेट का रेशियो निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ मनी का रेशियो निकाल सकते हैं। बट जब हम लोग बात कर रहे होते हैं प्रोपोर्शनल का, तो हमको दो दो लोग को, दो दो डेटा को एक एक साथ लेके चलना पड़ता है कि ए और बी का एज, एक का एज है 45, एक का एज है 40, तो दोनों का एज का रेशियो हो गया ए और बी एज का एज है 45, एक का एज है 40, दोनों का रेशियो 8:9:8। अब सी इसका एज है 18 और डी इसका एज है 16, इन दोनों का भी एज का रेशियो, जबकि दोनों का क्वांटिटी ऑफ एज अलग है, दोनों का जो एज है उसका नंबर अलग है, लेकिन दोनों का एज का रेशियो वो सेम, तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द एज और द ए बी सी डी, ए बी सी डी देयर एज आर प्रोपोर्शनल, देयर एज आर प्रोपोर्शनल, ए बी सी डी का एज जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगेन कोई दो डेटा है, दोनों का क्वांटिटी ऑफ वैल्यू कुछ भी है, चाहे एज हो चाहे उनका मास हो, चाहे उनका वेट हो, चाहे उनका कुछ भी, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी हो, वो कुछ भी हो, अगर उनका रेशियो सेम है, तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। लिखते कैसे भैया, कि मान लो ए और बी, ए का एज 40, बी का एज 30, सी डी ए का एज 20, डी का एज 15, इनका भी 4:3, इनका भी 4:3, देन आई कैन से ए बी, इसको 2:2 का ही लोग बोलता है, दिस इज नॉट 2:2, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल का ही मतलब होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ये सिंबल का ही मतलब होता है प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग रिप्लेस किससे करते हैं, इक्वल टू से, इक्वल टू से रिप्लेस होता है, सी डी, सी डी ए बी प्रोपोर्शनल सी डी, ए बी प्रोपोर्शनल सी डी, ये जो 2:2 है ये प्रोपोर्शनल को बताता है, ये रिप्लेस होता है इक्वल टू से, ए बी प्रोपोर्शनल टू सी डी, ए बी प्रोपोर्शनल टू सी डी, ए बी प्रोपोर्शनल टू सी डी। अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर ध्यान से हम देखें तो यहां से एक चीज तुमको मिलेगा, ए बी सी डी, इसका एक आइडेंटिफिकेशन है, अगर चार डेटा ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल, तो रेशियो का, ये तो रेशियो है ए बाई बी, एज टू बी, एज टू बी ए बाई बी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल विल बी रिप्लेस बाई इक्वल टू सी डी, तो अगर मल्टीप्लाई करके देखें ए बी, ए बी प्रोपोर्शनल टू सी डी, प्रोपोर्शनल विल रिप्लेस बाई इक्वल टू सी डी, सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ए और डी कौन है, ए और देखो ए फर्स्ट टर्म है और डी लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है डी लास्ट टर्म है, इन लोगों हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स, और ये जो दोनों हैं इन लोगों को हम लोग बोलते हैं मीन टर्म्स, मीन टर्म्स, मिडिल टर्म, जो भी। तो इसमें हो क्या रहा है, दो एक्सट्रीम को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दो मीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो एक्सट्रीम और दो मीन। तो भैया यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या है तुमको दिख ही रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन और मिडिल टर्म, जो भी। किसी भी प्रोपोर्शनल में अगर चार डेटा को अपन लोग देखते हैं, किसी भी प्रोपोर्शनल में अगर चार डेटा को अपन लोग देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म
उनका जो प्रोडक्ट होगा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म उनका भी प्रोडक्ट सेम होगा। फर्स्ट टर्म ए फोर्थ टर्म ए इंटू डी इक्वल टू वो इक्वल है बी इंटू सी सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब दो किनारे वाला टर्म, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, मीन मतलब दो मिडिल वाला टर्म। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। आई होप थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया है, और समझाते हैं इसको, जस्ट नोट कर लो, जस्ट ये वाले बात को इधर का सारा नोट कर लो जल्दी से जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चैप्टर का भाई कौन से है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर क्लियर है तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत है। इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, सम्स तो बना ही देंगे हम पूरा। तो फिर से प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल इज नॉट अ रेशियो। प्रोपोर्शनल में अगर कोई दो डेटा का कुछ भी अमाउंट है, पैसा है, एज है, उसका जो रेशियो है, कोई और दो डेटा है सी और डी उनका भी एज पैसा का वही रेशियो है, इंस्पाइट ऑफ उनका क्वांटिटी कुछ भी है वैल्यू कुछ भी है लेकिन रेशियो सेम है, तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी दिस फोर डेटा आर इन प्रोपोर्शनल। रेशियो सेम होना चाहिए, और अगर प्रोपोर्शनल रहेगा तो देखो एक क्वेश्चन खुद ही से, प्रोपोर्शनल अगर रहेगा तो याद रखना ध्यान से कि मान लो चार टर्म लिखा है ए बी, इसको डबल इज टू नहीं बोलेंगे, कई लोग डबल इज टू बोल देते हैं, ए इज टू बी, ए इज टू बी डबल इज टू नहीं प्रोपोर्शनल, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी, अगर कोई चार टर्म है प्रोपोर्शनल तो ये जो पहला है ना इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ। चार भैया छः का ऊपर देगा नहीं, छः का ऊपर देता नहीं, छः का हो सकता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, कोई दो प्रोपोर्शनल है किसी दो के साथ, ए बी सी डी के साथ प्रोपोर्शनल है, फिर ई अकेले नहीं हो सकता है, फिर इसको ई एफ चाहिए। प्रोपोर्शनल के लिए हमेशा डेटा पेयर में होना चाहिए, छः डेटा प्रोपोर्शनल में हो सकता है दो दो दो, चार डेटा प्रोपोर्शनल में हो सकता है दो दो, लेकिन पांच डेटा प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। प्रोपोर्शनल के लिए नंबर ऑफ डेटा जो है वो इवन होगा, ऑड हो ही नहीं सकता। ये वाला लिख लो, तो हम लोग क्या देखें कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए बाई बी प्रोपोर्शनल विल बी रिप्लेस बाय इक्वल टू सी बाई डी, देन ए डी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए डी इक्वल टू बी सी, क्या मतलब इसका, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। चलो बनाना चालू करते हैं, बनाना चालू करते हैं। तो भैया क्या दिया है, 10 is to 35 प्रोपोर्शनल टू x is to 14, तो 10 is to का मतलब डिवाइड एंड प्रोपोर्शनल विल बी रिप्लेस बाय इक्वल टू x बाय 42, तो कितना हो गया, क्रॉस कर दें अगर 35x इक्वल टू 10 into 42, सो x इज इक्वल टू 10 into 42 by 35, 5-7 से काटते हैं 5 बार में, 7 से काटेंगे 6 बार में 1, 2, सो x is equal to 12। अब इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, अभी हम बोले हैं कि कोई भी अगर चार टर्म है और वो अगर प्रोपोर्शनल में है, और हम लोग यही लिखेंगे, अभी हम जो लिखने जा रहे हैं हम लोग वही लिखेंगे, अगर कोई भी चार टर्म प्रोपोर्शनल में है तो उसका जो एक्सट्रीम टर्म होगा, दो किनारे वाला टर्म होगा, उनका जो भाई प्रोडक्ट होगा, उनका जो मिडिल में दो टर्म है मीन टर्म, उनका भी प्रोडक्ट वही होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब दो किनारे वाला टर्म, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मतलब बीच में जो टर्म है, मीन मतलब मिडिल, बीच में जो टर्म है। तो देख लो ध्यान से यहां क्या होगा, 10 into 42 product of the extreme is equal to product of the mean, mean में कौन है 35 into x। तो तुम बोलेगे भैया ये क्यों बता रहे, देखो तुम ही, तुम पहले ये वाले लाइन को ऐसे लिखेगा, रेशियो का मतलब डिवाइड, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आएगा भैया रेशियो का प्रॉपर्टी है तो हम डायरेक्ट यही नहीं आ सकते, देख लो यही लाइन तो ये लिखा है, ये जो लाइन लिखा है ये यही लाइन तो लिखा है, तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे ना, ये और आसान होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द
मीन प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, देख रहे थे कि माइक कहीं ऑफ नहीं हो जाए, ऐसा नहीं कि बोले जाए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। अब एक्स है 35 के नीचे हम डिवाइड कर देंगे, 5, 6, 1, 2 एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 12। आई होप थोड़ा थोड़ा बात क्लियर हुआ होगा। इधर बना के देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, एकदम आसान एकदम एकदम, अब लिखेंगे नहीं है डिवाइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, सो एक्स इज इक्वल टू 50, 3, 2 एक्स इक्वल टू 75, एक्स इज इक्वल टू 75। तो प्रोपोर्शनल इज व्हाट, प्रोपोर्शनल इज इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल रेशियो रिप्लेस बाय इक्वल टू, प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। चार्टर में प्रोपोर्शनल में पहला को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, दूसरा को सेकंड प्रोपोर्शनल, तीसरा को थर्ड प्रोपोर्शनल, चौथा को फोर्थ प्रोपोर्शनल। आई होप थोड़ा थोड़ा बात क्लियर हुआ होगा, चलो नोट कर लीजिए। क्या दिया भैया क्वेश्चन, हम बता चुके हैं प्रोपोर्शनल के लिए चार डेटा लगेगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग, तीन को दे दिया तुमको चौथा निकालने बोला, तो भैया हम लेट कर लेते हैं, तीन को तो दे दिया लेट कर लेते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, तो दिस विल लुक लाइक, ये कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, प्रोपोर्शनल है तो पहला दो लिख दिए रेशियो में, बाद का दो के बीच में प्रोपोर्शनल का सिंबल दे दिए, लो भाई एकदम सही, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम बेस्ट थिंग, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम नो डिवीजन में, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ द मीन, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम प्रोडक्ट 1 × x, x, x/3 1 × 1, 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सो 20x इज इक्वल टू 1 × 3, सो x इज इक्वल टू 3/20, x इज इक्वल टू 3/20, सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 3/20। जा इसी में लटक जा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चन, यहां पे क्या था x वाला टर्म हम लोग दे दे रहा था, हम उसको खाली फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे उन लोग बोला है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आप निकालिए, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैं सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल दिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, 9.6, 7.6, 28.8 अगेन फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट करते हैं, एक्स लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, तो 9.6, 7.6, 28.8 and x, तो जिस पोजीशन में लेट करने को बोलेगा हम लोग उसी पोजीशन में लेट किया, अगर तुम देख पा रहे हो तो x जो लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन की जगह पे लिखा है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, 9.6 से डिवाइड करेंगे तो 7.6, 28.8 by 9.6, इसका पॉइंट होता है नीचे 10, इसका पॉइंट होता है नीचे 10, इसका पॉइंट होता है ऊपर 10, 10 से 10 कटा, 96 12 से काट रहे हैं 8 बार में, 12 से 2 48 चार 1 3, सो x इज इक्वल टू 76 × 3, सिंस मेरे को पता है तो हम लिख दे रहे 76 × 2 = 8 होगा बाय 10, सो x इज इक्वल टू 22.8, द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 22.8। चलो जल्दी से नोट करो भाई, तो चलो भाई कंटिन्यू करें, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने वाला ही क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज फोर्थ प्रोपोर्शनल लोग एक्स टर्म लोग खुद यूज कर ले रहा है,
इसीलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल को जो हम लोग लेट कर रहे हैं वो एक्स के जगह ए लेट कर ले रहे हो, और कुछ नहीं है बस ए। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी ए, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई इन टू ए, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। सो ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाई। एक वाई से एक वाई कटा, एक एक्स से एक एक्स कट गया, और कुछ कट रहा है आई डोंट थिंक और कुछ कट रहा है। तो आंसर हो जाएगा वाई जेड क्यूब बाई एक्स, वाई जेड क्यूब बाई एक्स। तो ए इज इक्वल टू वाई जेड क्यूब बाई एक्स। अगेन पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अगेन फोर्थ प्रोपोर्शनल को एक्स बोलेगा, अभी आप एक्स नहीं लिए फिर आप एक्स ले लिए, अरे भाई यहाँ पे एक्स यूज हो रहा था इसलिए नहीं ले रहा, तो वहां पे नहीं है एक्स ले लिए। पढ़ना क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। एक्स का वैल्यू इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एकदम बेसिक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी माइनस क्यू बाय पी माइनस क्यू काट दिए। सो एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, तो ये वाला पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू। ये भी तो वही चीज है, ये भी तो वही चीज है, जस्ट पी और क्यू के जगह पे ए और बी यूज हो रहा है, यहाँ पे ए और बी के जगह पे पी और क्यू यूज हो रहा है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू। सो दिस ऑल आर द क्वेश्चन फ्रॉम फोर्थ प्रोपोर्शनल, नोट करो भाई। Now the question is slightly changed. Question is slightly changed. उन लोग मांग रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। दो चीज यहाँ पे चेंज होगा, पहले हम बोल चुके हैं कि जहां पे उन लोग बोलेगा वहीं पे लेट कर लेंगे। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल डी एक्स, तो फर्स्ट दिया है पांच, सेकेंड दिया है दस, थर्ड की पोजीशन पे मैं सिलेक्ट कर ली। द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स फाइव टेन एंड एक्स, फाइव टेन एंड एक्स। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो दिया हुआ है फाइव टेन एंड एक्स, अगर हम ध्यान से देखें तीन ही दिया है, टर्म चाहिए चार, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होगा सेकेंड और थर्ड का होगा, तो फोर्थ टर्म तो है ही नहीं है। तो याद रखना भाई प्रोपोर्शनल कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म का नहीं होगा, ये वीडियो में स्टार्टिंग में बोले हैं। इसका क्या मतलब है कि इसको चार कंप्लीट करने के लिए याद रखना कभी भी प्रोपोर्शनल लेकर फिर देता है। अजय बच्चित आजा, तो अगर कभी भी तीन प्रोपोर्शनल दिया है, प्रोपोर्शनल कभी तीन हो ही नहीं सकता, प्रोपोर्शनल हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म का होता है, दो 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 ऐसे करके चलता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल वाला टर्म है, जो मिडिल में लिखा है मीन टर्म के पोजीशन में लिखा, मिडिल में लिखा तीन अगर है तो हम लोग मिडिल वाले को दो बार लिख देते हैं,
मिडिल वाले को दो बार लिख देंगे। कभी भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर तीन प्रोपोर्शनल नहीं है तो जो मिडिल वाला टर्म है उसको हम लोग दो बार लिख देंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा 5, 10 को दो बार लिख दिए और एक्स को यहाँ पे। अब कई लोग को देख के लग रहा होगा कि भैया एक्स तो अब फोर्थ वाले के पोजिशन पे चल गया। ना भाई, तुम जस्ट देखो ध्यान से, एक्स ये इनिशियली थर्ड पे ही है जस्ट बिकॉज कि 4 कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन नहीं होगा। हम 10 को दो बार लिखे हैं, प्रोपोर्शनल अभी भी थर्ड का जगह पे ही एक्स लिखा हुआ है। तो अब क्या हो गया, तो जब भी 4 नहीं कंप्लीट होगा हमेशा मिडिल वाले को दो बार। तो 5 × x 10 × 10 सो एक्स इज इक्वल टू 10 × 10 100/5 1 2 एक्स इज इक्वल टू 20। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। एक और बनाते हैं 0.24, 0.6 थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स। थर्ड प्रोपोर्शनल को लिख कर लिए एक्स, बट थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स लेट करने के बाद भी 3 ही हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि मिडिल वाले को हम दो बार लिखेंगे। एक्स तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। इन दोनों का प्रोडक्ट, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स नहीं है, एक्स अभी भी थर्ड प्रोपोर्शनल है। जस्ट 3 कंप्लीट नहीं हो रहा था 4, उसलिए हम लोग सेकंड वाले को दो बार लिखे हैं, अभी भी थर्ड प्रोपोर्शनल। सो एक्स इज इक्वल टू 0.6, 0.6 by 0.24, point a time, point a time, point a time, point a time। नीचे में दो बार के लिए 10 और ऊपर में 0.24, तो पॉइंट के लिए 1, 2, 0 और यहाँ पे इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, तो ऐसे भी कट ही जाएगा 6, 4, 2, 3 सो एक्स इज इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5 विच इज 1.5। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 1.5, द थर्ड प्रोपोर्शनल 1.5। तो जब भी प्रोपोर्शनल नोट कर लो इसको, जब भी प्रोपोर्शनल में 4 डेटा कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हम लोग थर्ड और सेकंड वाले को, मिडिल वाले को दो बार लिखेंगे। मिडिल वाले को हमेशा जो बीच में रहेगा, 3 पीस का जो बीच में रहेगा उसको हम लोग दो बार लिख लेंगे। क्या दिया भाई, P³ Q² Q² R। थर्ड को x बोल दिए, सेकंड वाले को लिख देंगे दो बार। तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ द मीन एक्स इज इक्वल टू 2² सो एक्स इज इक्वल टू 2² R² / PQ P² Q² R² / PQ यहाँ से x - y² x² - y² एंड थर्ड को इस बार x नहीं ले रहे बिकॉज x यूज हो गया, बस यही करना। अच्छा अभी भी हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल का कर रहे हैं भाई, बुक थोड़ा खुद किताब वताब निकाल के पढ़ने बैठा करना। वैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग सेम टू सेम है, बल्कि तब भी थोड़ा देख लेना। तो ये हो गया x² x - y² ✕ a एंड दिस इज x² - y² ✕ 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 x² - y²
वाई एक्स माइनस वाई दोनों का होल स्क्वायर। कैसे भैया? चलो लिख ही देते हैं पूरा, और दूसरा भी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉरी ये वाला हम भूल गए, लिखना
डिवाइड में x माइनस फाइव, चलो डिवाइड में लिखते हैं इसको, अभी यहीं पे लिख दे रहे हैं, अब डिवाइड दे देंगे, तो a इज इक्वल टू दिस बाई एक्स माइनस वाई का, एक कट जाएगा तो हो गया x प्लस वाई का पावर 4 एंड x माइनस वाई, तो दो पीस तो कट चुका है, होल स्क्वायर, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल भी दिस, सारा थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, दो दिया हुआ है, थर्ड को हम लोग एड ऑन करके लिख दे रहे हैं दो बार। चलो भाई यहां से है मीन प्रोपोर्शनल, चलो तो मीन प्रोपोर्शनल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे कंटिन्यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।